गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस पर पावर सप्लाई रिलेटेड इश्यूज के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कर्नाटका के ईआरसी चेयरमैन आईएएस ऑफिसर रवि कुमार गुलबर्गा विजिट किए थे। इस मीटिंग में जेस्कॉम ऑफिसर्स के अलावा आम आदमी पार्टी लीडर सज्जाद अली इनामदार और शहर के कई पॉलिटिशियंस सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थे। सज्जाद अली इनामदार ने केईआरसी चेयरमैन के सामने आईडीसी के नाम पर हो रही लूट के खिलाफ आवाज़ उठाई है। शहर के अनऑथराइज्ड लेवर्स और एरियाज में आईडीसी के नाम पर हज़ारों रुपया लूटा जा रहा है। पिछले 6 महीने से सज्जाद अली इनामदार आईडीसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आज केईआरसी चेयरमैन के सामने सज्जाद अली इनामदार ने डिटेल एक्सप्लेन कर बताया किस तरह आईडीसी से आवाम का नुकसान हो रहा है। सज्जाद अली इनामदार के मुतालिबे के बाद चेयरमैन रवि कुमार ने सिर्फ 15 दिन के दरमियान आईडीसी के नाम पर हो रही लूट को बंद करने का ऐलान किया है। जो काम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को करना चाहिए था, सज्जाद अली इनामदार लगातार फॉरो कर इस काम को कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान केईआरसी चेयरमैन और जेस्कॉम एमडी ने सज्जाद अली इनामदार को ऐसे अहम इशूज पर आवाज़ उठाने के लिए अप्रिसिएट किया है। आईडीसी बंद होने से अनऑथराइज इलाकों में आवाम का हजारों रुपया बचाया जा सकता है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। इन वन लेआउट कलेक्टेड 1,60,00,000 एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। व्हाट इज द लॉ? वेयर इज द एंड? हु परमिटेड? हाउ कैन पे द कस्टमर? सर, अनदर वन एग्जांपल, माय सेल्फ, आई परचेज्ड वन प्लॉट 60-40, आई पेड 50,000, आई एम जॉइंट फैमिली। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, joint family, my sons, my brothers always separate aktara, divide aktara, I mean over the capital maartara, again they are taking 50,000 each. It means my 4 meters, I required 4 meters, I have to pay my family 2,00,000 rupees. What is this sir? Heltare namage niyamane illa ಅಂದ್ರೆ 1,60,00,000 ಒನ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಿಟಿ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್, ಹೌ ದ ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಇಸ್ ಲೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. They are supplying very good current, giving good service, everything is good. But the collection of IDC is very, very, very burden to the public. Where is the law? In Delhi and Punjab, giving free electricity to 200 units to each house. What happened at here in our, for our government or our JASCOM, BESCOM, HESCOM? It is the rule to take infrastructure development charge till collection of the your expenditure. After that, it is stop it. And I demand whatever collected excess return to the customer according to law, according to the procedure. This is my submission, sir. May Sayyed Sajjad Ali Inamdar. आम आदमी पार्टी नॉर्थ एस्पिरेंट एमएलए एस्पिरेंट कलबुर्गी नॉर्थ, मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि मैंने या और मेरी पार्टी एक गुलबर्गा शहर में एक मुहिम लेकर, एक मुद्दा लेकर लड़ाई चालू किए हैं, वो मुद्दा है जेस्कॉम के खिलाफ, आईडीसी के खिलाफ। जेस्कॉम वालों ने 30-35 साल पुराने कॉलोनियों में 35 साल से कंटिन्यू आईडीसी वसूल कर रहे हैं। एक 30-40 के प्लाट को 1 किलोवाट को 19,500 रुपये ले रहे हैं। 30-40, 40-60 के प्लाट है, यानी 1200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा प्लाट है, तो उसको 50,500 रुपये आईडीसी लेकर 1 किलोवाट का कनेक्शन दे रहे हैं। ये सरासर लूट है आवाम से और ग्राहकों से, जेस्कॉम के जो लाइट लेते हैं उनसे। तो मैंने इसके बारे में एक मुहिम चालू की है 3-4 महीने पहले से, जेस्कॉम वालों के खिलाफ 2-3 मरतबा मेमोरेंडम दिया। आप ये गैर कानूनी तौर पर जो वसूल कर रहे हैं, आईडीसी वसूल कर रहे हैं, उसको स्टॉप किया जाए, बंद किया जाए।
उसके बाद यहाँ के एमडी और चीफ इंजीनियर ने कहा हमारे हाथ में पावर नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये चेयरमैन केईआरसी का काम है। तो मैंने गुज़िश्ता माह 10 तारीख को केईआरसी चेयरमैन बेंगलुरु में श्री रवि कुमार से जाकर उनके ऑफिस में मिला और तफसील बताई, आप जो मैं बदला वो तफसील बताई, और उन्होंने कहा वादा किया मैं गुलबर्गा आ रहा हूँ शॉर्टली, एक डेट फिक्स करता हूँ, आप गुलबर्गा में सब वो ऑफिसर रहते हैं और वहाँ पर मैं मीटिंग मुनक़द कर रहा हूँ, उस मीटिंग में आप जो है ना जो बोलना है आके बोलो हम करेंगे। तो आज जसकाम के मुतालिक केईआरसी के चेयरमैन रवि कुमार ने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के मीटिंग हॉल में मीटिंग बुलाई थी, कई 200-300 लोग वहां पर मौजूद थे, ग्राहक मौजूद थे, उसमें मैं भी था, मैंने तफसील बताई उनको, एक मिसाल लिया एक लेआउट का गुलबर्गा शहर के ब्रह्मपुर सर्वे नंबर 125 शाहजिलानी कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी, ये दो कॉलोनियों में 875 प्लॉट्स हैं, 875 प्लॉट्स को 350 पोल डाले हैं, 200 केवी के टीसी, 25 केवी के टीसी डाले हैं, इसका टोटल खर्चा आता है 2,27,00,000 रुपये, इनका खर्चा कितना आया 2,27,00,000 है, इन्हों खर्च वसूल कितना किए कम से कम 3.5 करोड़ रुपए, यानी एक लेआउट से सिर्फ शाहजिलानी कॉलोनी लेआउट से 1,60,00,000 रुपए आवाम से लूटा है, ज़्यादा वसूल करें ये नहीं करना गैर कानूनी है। तो इस ये बताने के बाद केआरसी चेयरमैन ने मान लिया कि यह गलती है, हमारे नियम में खामी है, उसका एंड नहीं है, नियम में क्या है कानून में रूल में लिखा नहीं कि कब तक लेना, कंटिन्यू लेना, एक घर वाले एक कनेक्शन लिए तो 50,000 भरे और 50,000 और 50,000 और कितने बार 50,000 भरना, चार पांच मर्तबा मीटर लिए, एक एक किलोवाट बढ़ाए तो 50,000 वो तो 2,50,000 रुपए भरे, ऐसा करके एक कॉलोनी से 1,60,00,000 रुपए ज्यादा वसूल करे हैं। गुलबर्गे में ऐसे 200 कॉलोनी से वो 200 कॉलोनी में जो है ना कम से कम 350 करोड़ रुपए इन्होंने लूटा है, ज्यादा पब्लिक से लिया है, इसके लिए कानून बनाने के लिए मैं मुतालबा किया। तो आज केआरसी के चेयरमैन ने वादा किया है बेंगलुरु जाते ही 15 दिन में मैं नोटिफिकेशन करके IDC बंद कराता हूँ बोले हैं, तो ये हमारे आम आदमी पार्टी की जीत है और सारे शहर के आवाम की जीत है। जय हिंद। हमारे गुलबर्गा के निवासियों और साथियों, आज बहुत बड़ा मुबारक दिन है, हमारे जनाब सज्जाद अली इनामदार साहब ने हल किया है, जो 2007 से जो IDC बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो कलेक्ट कर रहे थे गरीबों से और छोटे प्लाटों से, वो बहुत बहुत बर्डन था, बहुत वजन था, वो क्यों बोलते आप अभी बताओ 19 जो है 30-40 के प्लाट को 19,000, 40-60 के प्लाट को 52,000 ये ले रहे थे, ये जो है जो लिमिट था लिमिट से हटकर भी लिमिट से ले रहे थे, इसको जो है हमारे गुलबर्गा में नहीं पूरे कर्नाटक में इसको जो है कोई नहीं फाइंड आउट किया, हमारे जनाब सज्जाद अली साहब ने इसको फाइंड आउट को इस गलती को पकड़ कर यहाँ से बेंगलुरु तक 6 महीनों से मुसलसिल कोशिश करते रहे, वो आज उसका नतीजा मिला, आज वो चेयरमैन रवि कुमार साहब ने आज वादा किया, तो जो भी गलती है हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, जल्द से जल्द जो पैसा जो है वो तुम्हारे प्लाट वालों को वापस करेंगे बोले, ये इससे जो है 1,00,00,000 रुपये का फ़ायदा हमारे गरीब लोगों को हुआ, ऐसा करने वाले हमारे सज्जाद अली साहब है, हम सब तमाम उनका मुबारकबाद देते हैं, और ऐसे लीडर हमारे में रहना हमारे बहुत खुशकिस्मती है, हम उनको साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। बस जय हिंद।